बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होनी है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल पर भी चर्चा। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। 7 या 8 मार्च को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने की संभावना। 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज कोर कमेटी चर्चा करके नामों को फाइनल कर सकती है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। बीजेपी ने पहले दौर में 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, हालांकि उनमें 2 उम्मीदवारों ने अपना टिकट वापस कर दिया है। आसनसोल से पवन सिंह और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने कथित एमएमएस सामने आने के बाद अपना टिकट वापस किया था। ऐसे में बीजेपी अब बाकी राज्यों को लेकर चर्चा कर रही है और आज गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। खास करके 2 अहम राज्य बिहार जहां 40 सीटें हैं, महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं और साथ ही बंगाल जहां 42 सीटें हैं, इन तीनों राज्यों को लेकर आज लिस्ट में चर्चा की जाएगी। इसके साथ पंजाब, हिमाचल को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तीनों मिलाकर 120 से ज़्यादा सीटें हैं और यही वजह है कि आज इनमें उम्मीदवार कहां कहां से कौन कौन होगा ये तय किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर, कोर ग्रुप की बैठक 8 तारीख को होगी और उससे पहले, दरअसल 8 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक जिसमें 3 मुख्य राज्य बंगाल, बिहार और साथ ही महाराष्ट्र, इनको लेकर चर्चा होगी। साथ ही पंजाब, हिमाचल को लेकर भी चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। आज चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगने के साथ ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी लगभग 300 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी होगी। ये रणनीति है, 195 नामों का ऐलान किया गया था पहली लिस्ट में और अब दूसरी लिस्ट में भी 100 से ज्यादा नाम होंगे ये माना जा रहा है। बिहार की 40 सीटें, इसी तरह से महाराष्ट्र में 48 सीट और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें, कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों में 130 सीटें होती हैं। इनको लेकर कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाएंगे, साथ ही पंजाब, हिमाचल को लेकर भी चर्चा।